देखिए भाई साहब, बात इतनी बड़ी है नहीं जितनी बड़ी ये मोहतरमा कह रही है। मैं आपको शुरू से पूरी बात बता रहा। मैं रेखते रेखते जा रहा था, इन मोहतरमा का जो कुकुर है तो वो हमको देखिए शांत रहिए, मुझको पूरी बात भाई साहब को बताने दीजिए। तो भाई साहब, मैं रेखते रेखते जा रहा था तो इन मोहतरमा का जो कुकुर, अरे यार तो कुकुर को कुकुर नहीं तो क्या कहे यार, आप बात करती हैं, आप शांत रहिए। कुकुर को कुकुर न कहे भाई साहब, डाग DOG डाग मतलब कुकुर, डाग कहते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है, कुकुर कहते हैं तो उनको बुरा लगता है, हैं? आप शांत रहिए ना, आप शांत रहिए, मुझको पूरी बात बताने दीजिए। बात करती है डाग को, हम डाग को हम कुकुर न कहे हैं, ऐसी बात करती है। मैं देखते देखते जा रहा था भाई साहब, मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ। मैं देखते देखते जा रहा था तो इनका जो कुकुर है तो ये हमको चाबने के लिए धाया, तो हमने सिर्फ कह दिया दूर चबे कार है ये मोहतरमा, हमसे चढ़ बैठी, ये कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे डाक को कुकुर कह दिया। अब आप बताइए कि हम डाक को कुकुर ना कहे तो क्या? आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। और ये अपना जो ये, हाँ तो भाई साहब इनका जो कुकुर डाक डाक ठीक, अब आप शांत रहिए, चले जाइए, हमको पूरी बात बताने दीजिए। और हाँ सुनिए, ये अपना डाक कुकुर माने डाक, सब ठीक है। अब इसको ले जाइए, अब कुकुरवा को ले जाइए, हाँ डाक को ले जाइए, और उसका बिस्कुट गिर गया है उसको भी ले जाइए, नहीं तो हम बिस्कुट खा लेंगे तो कहेंगे कि हमारे कुकुर डाक का बिस्कुट खा लिए। तो भाई साहब सिर्फ इतनी सी बात थी है, हमने इनको इनके डाक को कुकुर कह दिया तो ये ऐसा लगता है कि कपार फाड़ देगी है। अब आप बताइए कि डाक मतलब कुकुर न होता है। ये लड़कियां लोगों को चोचलेबाजी है, हाँ बात करती हैं, पूरा का पूरा इंग्लिश है इनको नहीं आता है, ये सिर्फ फैशन के चक्कर में सब करती हैं, दो चार ठो इंग्लिश बोलती हैं बस हो गया, बाकी हमने देखा है भंडारा में यह बैठी थी अपने कुकुरबा को खंभा में बांध के भंडारा में बैठी थी और कह रही थी कि आओ दादा भात रे, हाँ बात करती है। अजीब फैशन है, डाक को कुकुर न कहें डाक कहें, बात करती है। देखो इनको